हेलो एवरीवन, आज हम मैरीगोल्ड यानी इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट यूनिट 9 क्लाउड्स रीड एंड लर्न बाय हार्ट। बच्चों यहाँ पे क्लाउड्स के बारे में बताया है, उसे रीड करना है और लर्न करना है। इट इज़ हॉट, अभी कौन से दिन चल रहे हैं, क्या कहा है, गर्मी के दिन ही वो चल रहे हैं। द स्काई इज़ ब्लू, स्काई है वो कैसा है, ब्लू है। अ लिटल क्लाउड कम्स लुकिंग फॉर यू, एक छोटा सा क्लाउड है वो आ रहा है और वो आपकी तरफ देख रहा है। मोर क्लाउड्स कम, इसी तरह बहुत सारे क्लाउड्स हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं। दे ब्रिंग रेन, ज़्यादा क्लाउड है वो मिलकर क्या लाते हैं बच्चों, बारिश लाते हैं। सिंग एंड डांस, चलो गाना गाते हैं और डांस करते हैं। एट स्कूल अगेन, बारिश आती है तो हॉट इन्वायरमेंट है वो कैसे हो जाता है, कूल इन्वायरमेंट, इसलिए क्या कहा है, वापस कूल है वो इन्वायरमेंट हो गया है। देखो ये बादल है वो क्या कर रहे हैं, पानी बरसा रही है यानी कि बारिश आ रही है। और यहाँ पे देखो बच्चे है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। नेक्स्ट न्यू वर्ड्स, बी आर आई एन जी ब्रिंग यानी कि लाना, सी एल ओ यू डी क्लाउड यानी कि बादल, सी डबल ओ एल कूल यानी कि ठंडा, डी ए एन सी ई डांस यानी कि नाचना, एच ओ टी हॉट यानी कि गर्म, आर ए आई एन रेन यानी कि बारिश। नेक्स्ट लेट्स रीड, चलो रीड करते हैं। इट इज़ अ हॉट डे, वो कौन सा, सॉरी वो कौन सा दिन है, हॉट डे है, कैसा डे है, हॉट डे। इट इज़ रेनिंग टुडे, और आज क्या हो रही है, बारिश हो रही है। बच्चों ये हॉट और रेनिंग वर्ड्स है वो इसमें से ही लिया है, न्यू वर्ड्स में से हॉट और रेन। नेक्स्ट रीडिंग इज़ फन, बच्चों यहाँ पे हमने क्लाउड्स के बारे में देखा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए हैं। नंबर वन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई, बच्चों क्या कहा है, स्काई का कलर कौन सा है, हमने देखा था ना स्काई का कलर कैसा है, ब्लू। तो आंसर क्या आएगा, द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, स्काई का कलर है वो ब्लू है। नेक्स्ट, व्हाट डू द क्लाउड्स ब्रिंग, क्लाउड्स से वो क्या लेकर आते हैं, बादल है वो क्या लेकर आते हैं बच्चों, बारिश यानी कि रेन। आंसर क्या आएगा, द क्लाउड्स ब्रिंग रेन, बादल है वो बारिश लेकर आते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक, चलो बातें करते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड्स दैट ब्रिंग अस रेन, क्या कहा है, जो बादल बारिश लेकर आते हैं वो बादल का कलर कैसा होगा, डार्क ग्रे। देखो यहाँ पे डार्क ग्रे कलर क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन, डार्क ग्रे कलर के क्लाउड्स हैं वो बारिश लेकर आते हैं। नेक्स्ट, डू यू लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन, क्या आपको बारिश में गाना गाना और डांस करना अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो यस में आंसर बताना है और नहीं लगता है तो नो में। जैसे कि यस आई लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन, हाँ मुझे बारिश में गाना गाना और डांस करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, व्हाट कीप्स यू ड्राई इन द रेन, आपको बारिश से कौन बचाता है, आप क्या पहनते हो और क्या यूज़ करते हो, या तो फिर अम्ब्रेला या फिर रेनकोट जिसकी वजह से आप ड्राई रहते हो। तो आंसर क्या आएगा, आइदर एन अम्ब्रेला और रेनकोट कीप्स मी ड्राई इन द रेन, या तो फिर मैं अम्ब्रेला का यूज़ करती हूँ या फिर रेनकोट का बारिश में ड्राई रहने के लिए। नेक्स्ट लेट्स शेयर, चलो शेयर करते हैं। व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, आपको क्या करना अच्छा लगता है जब बारिश हो रही है, तब स्टे इन या फिर गो आउट, आप घर के अंदर ही रहते हो या फिर बाहर जाते हो, आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर है वो टिक कर सकते हो। अगर आप घर के अंदर रहते हो तो स्टे इन पे करना है, और अगर बाहर जाते हो तो गो आउट, इसलिए मैंने यहाँ पे गो आउट लिखा है।
नेक्स्ट, डू यू लाइक पडल्स? क्या आपको पडल्स अच्छे लगते हैं बच्चों? अगर यस देन यस आई लाइक पडल्स, अगर नहीं लगता है तो नो आई डोंट लाइक पडल्स। चलो देखते हैं। यस आई लाइक पडल्स व्हेन इट रेन्स। आई गो अलोंग विथ माई फ्रेंड्स टू जंप एंड प्ले इन द पडल्स। क्या कहा है? हाँ, मुझे पडल्स से वो अच्छे लगते हैं। जब बारिश रुक जाती है तब पानी के छोटे छोटे गड्ढे हैं वो भर जाते हैं, तब वहाँ पे बच्चे हैं वो खेलने जाते हैं। तो क्या कहा है? मुझे पडल्स से वो अच्छे लगते हैं, और जब बारिश होती है तब मैं अपने दोस्तों के साथ उसमें खेलने और जंप करने जाता हूँ। नेक्स्ट, द अदर सीजन्स इन इंडिया आर हॉट एंड कोल्ड। डिस्क्राइब इन योर लैंग्वेज विच सीजन यू लाइक द बेस्ट। नाउ कैन यू से दिस इन इंग्लिश। क्या कहा है? इंडिया में और भी सीजन्स हैं। अब यहाँ पे बारिश की बात हो रही है तो कौन सी सीजन होगी? रेनी सीजन है, यानी कि मॉनसून की बात हो रही है। और यहाँ पे क्या कहा है? हॉट सीजन यानी कि समर एंड कोल्ड सीजन यानी कि विंटर। तो क्या कहा है? आपको बताना है कि आपको कौन सी सीजन है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि आई लाइक कोल्ड सीजन द बेस्ट, इट इज़ कोल्ड विंटर। मुझे कोल्ड सीजन है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, और उसे हम क्या कहते हैं? विंटर कहते हैं। अगर आपको हॉट सीजन पसंद है तो आप हॉट सीजन के बारे में बता सकते हो। थैंक यू।